हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस व्लॉग को मैं काफ़ी दिनों के बाद लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी चल रही थी। तो मैं निकल रही हूँ अपनी खाला के घर। यहाँ पर मेरी सिस्टर और मेरी बेटी मेरे साथ है, आगे पापा बैठे हुए हैं और ड्राइवर अंकल भी साथ में है। अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ, तो अभी मैं पहुँची हूँ शेरकोट के बैराज पर। बैराज पर पहुंचने के बाद हमने देखा यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मौसम भी अच्छा था इस दिन, जिस दिन हम जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी का नाम रखा है आजिका अंसारी। आजिका नुज़हत के पास थी, ज़्यादातर नुज़हत के साथ ही रहती है। नुज़हत इसको बहुत अच्छे से रखती है और बहुत प्यार से रखती है। ये हमेशा नुज़हत के पास ही रहती है, मेरे पास कम रहती है। और यहाँ पर पापा फ़ोन पर बातें करने पर लगे हुए थे। हम पहुँच चुके हैं ऑन रोड। तो ऑन रोड पहुँचते पहुँचते देखा हमने यहाँ पर काफ़ी धूप थी। तो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं खाला के घर। वहाँ जाकर देखा हमने, खाने की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर बड़े का कोरमा बन रहा था, जो कि खाना खाला बना रही थी। उसके बाद देखते ही देखते खाना पूरा रेडी हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर खाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, दस्तरखान वगैरह सब कुछ लग चुका था। यहाँ हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद यहाँ पर सभी खाने के लिए आ चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर हमें नाश्ता कराया। थोड़ा हम लेट हो चुके थे, इसके लिए हमने पहले खाना खाया, उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हमको वापस घर आना था शाम में, तो हम वापस घर आने के लिए रेडी हो चुके थे और हम वापस अपने घर आ रहे हैं। इस लोग करते हुए